केसरिया है पहनावा उसका। माथे पर है ओज अपार, जो पहाड़ की गोद में जन्मा आज सियासत का है सार। हिंदू हृदय सम्राट है वो, उसकी चाल है चीते जैसी। महारथी वो राजनीति का योगी, जिसकी छवि पुरानी। वो संत है समाज का, कंठ उसका अवाम का। लड़कर जिंदगी के ताप से जो संघर्षों का योगी बना। वो आज सियासत का सूरमा है, जिसका नाम फलक पर चमक रहा है। नाथ का पुजारी जनता का सनाथ है। वो योग का दिग्दर्शी योगी आदित्यनाथ है। तो 11 मार्च 2017 को जब यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो किसी को भी एहसास नहीं था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दिल्ली में बीजेपी आलाकमान शायद ये तय कर चुका था कि हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता को ही उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंपी जाएगी। इधर लखनऊ में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की लिस्ट मीडिया में सीएम पद के लिए तय रही थी, लेकिन 16 मार्च को आई दिल्ली से एक फोन कॉल योगी के नाम के आगे मुख्यमंत्री दर्ज करा गई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2017 कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल उस वक्त भी हवा में तैर रहा था, जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमान दोपहर में किसी अहम सवारी के आने का इंतजार कर रहा था। ये जहाज सवेरे गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लेकर आया था और उसे अगले आदेश का इंतजार करने के लिए कहा गया था। किसी जानकारी या खबर को नहीं जानने से ज्यादा मुश्किल काम होता है जानकारी के बाद भी उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखना, और वो भी खुद की जिंदगी के लिए, जब वो खबर ऐतिहासिक हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ पहुंचकर योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अभी इस खबर को किसी के साथ साझा न करें। साल 2017 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और 2014 की प्रचंड मोदी लहर के बाद रोजगार, नोटबंदी, शिक्षा, जीडीपी सहित तमाम मुद्दे केंद्र सरकार की तरफ मुंह बाए खड़े थे। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूपी फतेह करने की थी और उत्तर प्रदेश जीतने के लिए पूर्वांचल को साधना बहुत जरूरी है, ये हर कोई जानता है। और पूर्वांचल का राजा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, नाम योगी आदित्यनाथ, या वहां के स्थानियों की भाषा में महंत जी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के सामने मोदी लहर को बरकरार रखने की चुनौती और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दबाव था।
योगी आदित्यनाथ पर जिम्मेदारी और सामने बड़ी चुनौतियां भी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी 325 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत चुकी थी। करीब एक हफ्ते तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के नामों पर मंथन होता रहा। मनोज सिन्हा और सत्यदेव पचौरी और केशव मौर्य जैसे नामों पर मंथन हो रहा था। कई दिग्गजों के नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में चल रहे थे। योगी आदित्यनाथ का उस फहरिस्त में दूर दूर तक नाम नहीं था। बकौल योगी आदित्यनाथ 5 और 6 मार्च 2017 से एक दिन पहले उन्हें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का फोन आता है। तब तक भी योगी आदित्यनाथ को इस बात का इल्म नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश में सत्ता के शीर्ष पर विराजमान होने वाले हैं। लेकिन 17 मार्च की शाम योगी आदित्यनाथ को फिर एक फोन आता है और तुरंत उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है। 18 मार्च की सुबह दिल्ली बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को चार्टर से दिल्ली बुलाया जाता है और तभी यह बात आदित्यनाथ को पता चलती है कि 19 मार्च को उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। तो 17 की शाम को उनका फोन आता है कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं तो गोरखपुर चला गया हूँ। मैंने कहा मैं गोरखपुर में हूँ। कारी मैंने कहा था कि हाँ एक दो दिन रुकिए, आप तो गोरखपुर चले गए, कैसे आप आ सकते हैं, तुरंत आपसे कोई जरूरी बात करनी है। शाम के 6 बज रहे थे तो मैंने कहा इस समय ना कोई ट्रेन है ना कोई प्लेन है, तो इस समय तो मैं आ नहीं पाऊंगा, कोई बात हो फोन पे आप बता दीजिए। उन्होंने कहा नहीं फोन पे नहीं बोलूंगा, सुबह मैं एक चार्टर भेज रहा हूँ, आप उसी से यहाँ दिल्ली आ जाइए, लेकिन किसी को बताना मत, आप चुपचाप आइए। लेकिन उससे पहले की कहानी जो दिल्ली से लखनऊ तक के रास्ते में चार्टर्ड फ्लाइट में गढ़ी जा रही थी, हर किसी के जहन में जो फ्लाइट में मौजूद था। किसी को ये नहीं पता था कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और संगठन सचिव सुनील बंसल अपनी लखनऊ जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, जबकि योगी को चार्टर्ड फ्लाइट से जाना था। योगी ने उन सभी को अपने साथ चलने के लिए कहा। चारों एक साथ उसी फ्लाइट में लखनऊ के लिए सवार हुए। तीनों नेताओं को विधायक दल की बैठक के लिए जाना था, लेकिन तब तक भी किसी को ये पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लखनऊ के रमाबाई मैदान स्थल पर धूप चमक रही थी, आसमान साफ था, अगले दिन होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज थी। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विजय बहादुर पाठक लगातार कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे थे, लेकिन सवाल ये था कि आखिर अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। लेकिन जब लोकभवन में विधायक दल की बैठक में योगी का नाम सामने आया तो बीजेपी के उन नेताओं के चेहरों पर मायूसी भी दिखी जिनके नाम के नारे लखनऊ में पिछले 7 दिनों से लगाए जा रहे थे, और शाम होते होते योगी आदित्यनाथ ने वो कसम भी उठा ली जिसने योगी को सियासत का सिरमौर बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।